चलो ये जी बुजुर्ग हैं अपना मेलसी में मेलसी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी देख बाकी मैं बुजुर्गों का पूछा हाँ सामने देख तो ठीक है कैमरा क्या हाल है ठीक हो तबीयत ठीक है अच्छा जी घर पे हिंदुस्तान के पूछेंगे अपने भी किस्सा रिहा कर दे के कुछ है अच्छा सबसे पहले तो अपना नाम बता दो अब्दुल अजीज और तेरा अब्बा जी का नाम क्या था अच्छा तो तेरा कौन सा गांव था बाटोर और खड़कड़ा खड़कड़ा न्यारा था और बाटर न्यारा नहीं कट्ठे ही थे तकरीब के साथ धर्मपरा ये हरिपरा ये एक तो बाटल में थे कि खड़कड़ा में थे खड़कड़ा में थे ठीक ठीक जी अच्छा खड़कड़ा न्यारा तो अच्छा इसके अलावा दोरा और कौन से काम थे और एक बाटोल मुसलमान थे मुकम्मल दूसरे ने हिंदू थे हाँ बाटोल जाटा थी एक एक मुसलमान भी थे और खड़कड़ा बॉडी तीन गांवों के बीच में सिर्फ जोड़ थे बस बाकी नज़दीक थे इतना हरिपुरा लैकी अपना धर्मपुरा इतना नज़दीक नज़दीक थे बीच में की खबर कौन था फाता नहीं था कोई ज़्यादा आगे फिर खरबला सीकर खरबला था अच्छा और अच्छा तो जिला कौन सा लग गया था और तहसील भी तहसील हंसी जिला सा अच्छा तो तारा जो था खरकड़ा इसमें मुसलमान कितने थे मुसलमान के लिए 25 यानी थोड़े थे किस किस कौम के थे मुख्तलिफ कौम 25 घर में भी मुख्तलिफ कौम थी यानी मुख्तलिफ कौम थी मुसलमान ना की अच्छा और हिंदुआ की हिंदू भी मतलब एक किस्म गाँव भी इतना बड़ा नहीं था छोटा ही था छोटा गाँव था बड़ा बड़ा अच्छा तो ये बताओ कि हिंदू और मुसलमान पाकिस्तान बनने से पहला उस गांव में उनका आपसी का रहन सहन आन जान बड़ा अच्छा सुकून था कोई वो नहीं था किसी किस्म का हिंदू और मुसलमान बड़े सलूक थे रहे अच्छा वो इस तरह की कोई बात कौन थी नहीं बिल्कुल नहीं भी हो मुसलमान ने तो बहुत भी मतलब क्यों जाओ सब आए सब कुछ आए जाए था सब कुछ आवे थे आने थे बैठे थे अफसोस करे थे कोई किसी का वही न्यू लड़ाई को नहीं होती थी उनकी होली है जो लड़ाई होगी या तो नहीं कभी नहीं होगी अच्छा हमारे साथ जो मुसलमानों का होता था इस तरह से जैसे अगर खारी पर आए अच्छा अच्छा यानी हम उनके साथ भी इसी तरह आना चाहते हैं इसी तरह आना चाहते हैं तकलीफ या शादी अच्छा अच्छा तो ये बताओ उस तो बाद जिस टाइम पाकिस्तान बन गया पहला तो ठीक था नहीं रहना सहना जब पाकिस्तान बन गया फिर उनका धर गला रवैया किस तरह धर गांव वाले का पाकिस्तान बन गया हाँ जिस टाइम उन्होंने पता जिस ये सिलसिला शुरू होया हाँ ये सिलसिला शुरू हो गया तो मानते हैं बात तो यहाँ आ गए हाँ हाँ वो है ना कि पाकिस्तान सिलसिला शुरू होया ना हमारे गांव में कोई लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं होया अमन अमान से हमारे से पहले जो हमारा मिसाइल गांव था मुसलमानों को मुकम्मल आ गया था उन्होंने हमारा से नहीं बताया अभी हम जा रहे हैं वाले अच्छा अभी हम जा रहे हैं यहाँ हम वहीं रह गए हमारे गांव के जो हिंदू थे उन्होंने हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा फसाद कोई नहीं था अच्छा हमारे घर के सामने बनिए का घर था क्या नाम था उसका नाम था उसका सोना बानिया सोना बानिया हाँ जी और किसी के नाम भी याद है जो तेरे आने साथी हो कोई जो तेरे खेल दे रहे हैं हिंदुओं के नाम कोई गांव के एक जो इसके एक छोकरा था सरजीत था एक का नाम हवा था ये हमारे मतलब हम साहेब सरजीत सरजीत हवा अच्छा राम स्वरूप इस तरह के मतलब हिंदुओं के साथ घर थे सर नंबरदार कौन था हमारे नंबरदार सही बता अच्छा चलो अच्छा फिर वो बानिया का घर था सर सामने बानिया घर था बानिया ने था वो हमारा बच्चा मतलब तल्लक था तो जब बानिया ने हमारा सारा सामान ले लिया था वो और उन्होंने हमारे लिए तबलीग की थी तुम्हारे यार है ना नहीं चले जाओ मैं चाहे कितने भी तुम्हें कोई ये काम और एक है या कोई कहें तो कितनी मदद करें कि रहना भी खतरा है जाना था हमारे साथ लड़ाई झगड़ा भी कोई नहीं हो रहा वैसे हम रह गए थे वैसे उन लोग जो काफिले ये थे वो आ गए थे कुछ लोग जा रहे थे हम भी रह रहे थे हम बाद में हमारा एक अजीज था रिश्तेदार बाटोल का तो उसने दुनावली हमारे से वो गया जाकर उनके हमारे इतने घर जो है ना वो रह रहे हैं और बामान बैठे हैं और हमें वहाँ से निकाला जा रहा है फिर हमारे से मिलिट्री आई थी अच्छा 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 मिलिट्री अरे ना कभी जाना जाओ मिलिट्री आई थी हमारे गाँव में कोई 20-25 ट्रक आए थे तीनों गाँव में अच्छा अच्छा उसके अंदर जो मुसलमान थे सारे हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा के साथ कोई ऐसा गाँव भी सारी जगह हुई होगा लड़ाई हमारे किसी ने नहीं हुई एक बार सुना था उन्होंने सलाह करी थी भाई बाटोल वाले
करकड़े वालों को मार दो, उन्होंने मारे गाँव वाले कह लगे ना हम किसी को मारे ना किसी को मारन दे, हम अपने भाइयों के साथ सोलोक तक बैठे हैं, अगर ये जामे गए तो हमें नहीं जामे नहीं कोई जाएगा, हमने खुद छोड़ा लेकिन मार लोगों ने बड़ी सपोर्ट की बात थी, हमारे साथ नहर गुजरी थी जैसे फद्दा वाली नहर है, इससे बड़ी नहर थी, डेढ़ महीने तक खून चल रहा था नहर के अंदर, लाचे जा रहे थे जैसे पत्ते तालियों के दरख्तों के बच्चा है और लाल पानी चल रहा था डेढ़ महीने तक। अच्छा, बाकी हमारे साथ कोई किसी किस्म की दिल में कोई डर खौफ तो होगा एक दफा उन्होंने मतलब सिखों ने कोई सिखा बनाएंगे तो हमारे कोई फिक्री ना करे, हम भी तुम्हारे साथ हमें किसी ने किसी के आए होंगे क्या हमारे बात तो चले गए, हम तो इधर अमन मान से आए हैं, चाह रहे अपना सार आ गए सार के कैमरे कितने कितने रहे कैमरा सार में रहे कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता, उसके बाद गड्डी आई है लाहौर कैंप में आए, लाहौर कैंप में फिर गोली चली है लाहौर कैंप में, ना हाँ लाहौर कैंप में ना लाहौर ना कैंप सही बात सही बात सही बात नहीं और तो तम असार तो ट्रेन में चल पड़े तो कितने दिन में पहुंचे लाहौर लाहौर मेरा ख्याल है एक दो दिन नहीं पहुंच कुछ यानी ज्यादा टाइम लगा रामतन को गड़बड़ पूरा आम सा है लेकिन लाहौर तो लाहौर कितने दिन रहे लाहौर में 5 10 तक रहे फिर हम आगे शाहीवाल कैंप तो शाहीवाल में शाहीवाल बहुत बड़ा कैंप था नहीं तो हम क्यों शाहीवाल में गोली चल गई वे किसने चला वो मतलब एक भी लड़ाई हुई एक फसादा तो है बड़े बंदे मरे उसको बड़े लोग मरे आप से ये मुसलमान ने के पहुंच गए मंदिर में फिर हमने उन्होंने बड़ा शाहीवाल से बदीन का पुत्र बदीन फिर सारे जी बीमार हो गए पानी वापस माफी ना आया फिर वापस आ गए फिर वापस आ गए फिर कभी कहीं कोई कहीं साहब तुमने पता है शाहीवाल के में बंदे मरे थे क्यों मरे थे पता है किसे नहीं मेरे लंबे वो यूँ है था कि राव खुर्शीद अली खान था अच्छा रोहतक था एमएलए उस दौर में वो पहले था कांग्रेस में अच्छा लेकिन उसने जिस टाइम देखा ना कि कांग्रेस में रहेगा तेरा गुजारा नहीं होना पाकिस्तान बन गया और पूरा तो मुसलमानों ने जाना पड़ेगा तो वो फिर कुछ मुहिदा वगैरह करके बातचीत कर रहे कायदे आजम का मुलाकात कर रहे मुस्लिम लीग में मिल गया था और वो पाकिस्तान आ गया था वो ये डिमांड कर रहा था कि जितने लोग आए हैं ना इन्होंने उरे बसा दो डिस्ट्रिक्ट वाइज बसाओ कम अज़ कम है ना एक डिस्ट्रिक्ट के लोग एक जगह बसाओ ये ना हो कि कोई किसी जगह कोई किसी जगह जिला बंदी की माओ कभी तो ही थी जिस जिले के बंदे वो एक ही जिले में किसे जिले में बैठे जिला बंदी पीछे है उन्होंने क्या करे राव खुर्शीद ने राव खुर्शीद पकड़ा जेल में घेर दिया अच्छा उसे जेल में कराया लोगों ने एहतजाज कराया जिन्होंने एहतजाज कराया फिर वे बंदे मरे सैकड़ों बंदे थे मार के वसाई वाले नहर में फेंक दिए थे पूरे भी मरे थे लोग बात अच्छा उसके बाद फिर तो महल से आ गए सिंध अच्छा सिंध कितने गहरा जा गए अबदीन कितने दिन रहे सिंध में रहे एक महीना सारे सिंध भी फेंके में गए थे पूरा कितना सही वार से बदीन फेंके फिर बदीन ये अच्छा सारे बहुत सारे हैं मैं पूरा सिंध विजिट करया बना है अच्छा उसरे महीना के सिंध फेंको सारे ने और सिंध में भी ऐसे ऐसे इलाके में जाकर बदीन को था आज भी पानी को नहीं जिसमें 70 साल बाद भी उस टाइम तो ऐसा था कि पूछना मच्छर और वो सेम ऐसा लगता था ज्यादा पटक गए थे शोर में ज्यादा था सारे ना मालगाड़ियों में गए होंगे मालगाड़ी थी मालगाड़ी पर तो भाई भर का ताले लगा दिए थे आपके उधर जाकर ये सुल्ताना भी शामिल था सुल्ताना तो शामिल सुल्ताना इस चीज में शामिल था सुल्ताना तो सुल्ताना का तो लियाकत अली खान का लड़ाई इसी वजह से हुई थी सुल्ताना का तो कौन रहने दूं और इवन कानूनी तौर पर अपने लोगों का सिंध नहीं भेजा जा सकता ट्रांसफर तबादला आबादी सिर्फ पंजाब का था सिंध का था ही वो नहीं जगह याद है मकान याद है गलियां याद है अच्छा जी ये जे कॉन्टेक्ट करना चाहो बुजुर्ग गल्ला यू नंबर में तरता है बता दू हूँ कई भाई की डिमांड हो फिर बुजुर्ग खरकते हैं तो इनके लिए भी जो कोई बंदा चाहो कि कॉन्टैक्ट करना है तो ये नंबर है जी 00923007726256
ये नंबर है जी राव फारूक साहब का है, ये कॉन्टैक्ट करवा देंगे। ये व्हाट्सएप पे भी है और उस पर भी है, 0092300772625। ओके ठीक है जी, सलाम अलैकुम। ओड़ा तो निकला है वो गांव के बड़े।